गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे को ब्लॉग में। भी सुबह के 4 बज चुके हैं और पैकिंग करने जा रहा हूँ। बताऊँगा कहाँ वीडियो में आगे बनी रही है, कहाँ जाने वाले हैं, कैसी ट्रेन है, कैसे क्या सब बताने वाला हूँ। तो फटाफट कपड़े पैक कर लो। ये फैला हुआ है, इसको फटाफट सेट करना है। सेट करके आपको इसको रख के देखिए पैकिंग हो चुका है। आप सीधा नहाने के बाद, फ्रेश करने के बाद सीधा आपको सीधा बाहर कंटिन्यू। ये देखिए हो गया और रेडी पूरा। अब फटाफट हमारी जो ट्रेन है वो 8 फ्रंट से बात करता है। जो हमारी ट्रेन है वो यहाँ महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन जो निहालगढ़ है मेरे घर से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ से है। वो भी 9 बजे की ट्रेन है, तो अभी 7 बजने को है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी निकलूँगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो आराम से जाएंगे। ये देखिए बैग पूरा रेडी है और मम्मी ने आज मेरा फास्ट हुई, मम्मी ने कुछ खाने के लिए दे दिया है। और फटाफट यहाँ से निकलते सीधा आपको जाके या तो रास्ते में कंटिन्यू करेंगे, और एक मेरा दोस्त है वो मुझे वहाँ पर ड्रॉप करने जाएगा, उसके बाद फटाफट आएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी ट्रेन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इसके 2-3 पार्ट्स आ सकते हैं। मैं जानता हूँ इसमें कि बहुत काफ़ी दिन पर ब्लॉग्स बनना है, इसमें शॉर्ट ब्लॉग ज़्यादा बनना है। शॉर्ट ब्लॉग्स देखिए, थोड़ा सा चैनल बूस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे यहाँ का स्टेशन है बिजली पास, नाम हो गया इसका। रेल हाँ, यही रेल, यहाँ का समोसा बहुत फेमस था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। सो माइकल मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। माइकल बाबा लग रहे थे नहा धो के एकदम फ्रेश होकर आया था। सो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी आएगी, कोटा पटना एक्सप्रेस है। और जा कहाँ रहे हैं वो वीडियो को मैं एंड में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, सिर्फ ट्रेन बता दिया हूँ। और जो एसी कोच होने वाला है, जो अंदर का जो इंटीरियर होगा वो भी दिखाऊंगा, और गाड़ी संख्या सब कुछ इसमें पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपको दिखाया जाएगा। अभी गाड़ी में 30-35 मिनट डिले है, सो मैं अब जा रहा हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे, इनको विदा करूँगा भाई को। बस गाड़ी नंबर 2 गाड़ी आ चुकी है, दिखाते हैं आपको और जूम करते हैं। ये देखिए ये कोटा पटना एक्सप्रेस निर्धारित समय पर। आ गया M1। चलो देखिए, इस बार भी मुझे मेरी किस्मत खराब है भाई। टॉयलेट की कंडीशन बहुत खराब है। देखिए मैं क्या दिखाऊँ, ये देखिए पूरा पानी यानी पूरा एकदम बह रखा है। तो भाई बोलते आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, मानता हूँ। तो अब एक्चुअली हुआ क्या है कि जो मेरी नीचे लोअर की सीट थी तो वो नीचे लेडीज़ थी, तो भाई मैनेज करना, उनकी ऊपर वाली सीट थी, मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने उनको सीट दे दी है और ऊपर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ईजी होगा। तो ये है टॉयलेट, हर बार मुझे टॉयलेट बहुत गंदा मिलता है भाई, पता है अपनी किस्मत ही क्या है। मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, आपको मिलता हूँ 2 में। और वीडियो को अगर देखिए, हाँ जो बताने वाला हूँ वो मैं बता दूँ कि मैं बक्सर जा रहा हूँ, बिहार प्रांत, तो बक्सर जा रहा हूँ। बक्सर के लिए मैं वहाँ पूरा भी सेकंड ब्लॉग में पूरा आपको डिटेल बताऊँगा, और हो सकता है थोड़ा धीरे बोलूँ क्योंकि नीचे लेडीज़ है, तो थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और नया ब्लॉग आपको मिलता है। टिल देन गुड बाय।